अच्छा, आपकी जो चार टीमें प्लेऑफ में पहुंची थी, ऑब्वियसली केकेआर एंड एसआरएच ने फाइनल खेला एंड आरआर एंड आरसीबी, तो आप अगर इसमें से चार प्लेयर रिटेन करो केकेआर, जो टॉप चार की टीम थी, तो आपके हिसाब से कौन कौन होगा? देखो, मैं रिटेन करूंगा रसल को पहले तो केकेआर के लिए, अब मैं रिटेन करूंगा हर्षित राणा को, अब कॉल आपको लेना पड़ेगा फिल सॉल्ट के साथ कि जी क्या आपको वैसा ओपनर बाहर मिल जाएगा। इफ सो यस, ये मे बी यू डोंट हैव टू रिटेन हिम। नरेन का आपको ये देखना पड़ेगा कि कितना साल और खेलने वाले, क्या उनका प्लान है। एक बार वो अगर आप जी फाइनल हो जाए तो वो आप कॉल ले सकते हो। आई वुड पर्सनली वॉन्ट टू डेफिनेटली रिटेन रमनदीप सिंह, क्योंकि जो काम उन्होंने इस आईपीएल में किया, अनसंग हीरो ऑफ सॉर्ट्स, क्योंकि अंडर प्रेशर उस पोजीशन पे आके फिनिश करना, जब आपके बड़े प्लेयर फिनिश नहीं कर पा रहे तो वो एक दिक्कत हो जाती है। और अगर चार ही प्लेयर है तो फिर चौथा कॉल आपको बैटर पर लेना पड़ेगा, फिर वो श्रेयस हो, वेंकी हो, रिंकू हो, जिसको भी हो आप ले सकते हो। मेरा थोड़ा बॉलर के साथ बायस ज़्यादा होता है, तो इसके लिए मैंने मेरे टीम में तीन दो बॉलर तो डेफिनेटली ले लिए, तीसरा मैंने ऑलराउंडर ले लिया क्योंकि वो कम है मार्केट में। तो वैसे जाएं तो मैं शायद तीन दो ऑलराउंडर ले लूं, रसल, रमनदीप, बाकी सबको मैं बाय बैक कर लूंगा। पर अगर मैं रमनदीप को छोड़ दूं या मैं रिंकू को छोड़ दूं तो रिंकू सस्ते में वापस नहीं आ रहा, वो चीज़ भी देखनी पड़ती है। मतलब कैप्टन रिलीज। अब आप उसमें कुछ कर नहीं सकते हो ना सर, यू कैन ऑलवेज बाय हिम बैक। विल श्रेयस अय्यर गो फॉर 15th ईयर? मे बी नॉट, बट इफ यू रिलीज रसल, इफ यू रिंकू रिलीज वेल, हर्षित राणा, इफ यू रिलीज रिंकू, ही विल, द पॉइंट इज अबाउट सप्लाई एंड डिमांड। तो यहाँ पे कोई हम हेट नहीं कर रहे श्रेयस को, बट आप श्रेयस को रिटर्न करोगे तो आप वेंकी को रिटर्न नहीं करोगे। इवेंचुअली यू हैव टू फिगर आउट आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या है एंड देन बैक हिम अकॉर्डिंग। इसके लिए मैंने कहा चौथा स्पॉट रमदीप के बदले आप श्रेयस को ले लो, पर आपको दो बैटर या किसी ऑलराउंडर को छोड़ना पड़ेगा। आप जिस बंदे को छोड़ने के लिए तैयार हो, आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप रसल, श्रेयस इन सबको ले लो, पर आप वरुण चक्रवर्ती को छोड़ दोगे, बताओ क्या करोगे? मतलब तो लॉस जब तो हो टीम के रहेगा। बिल जब टीम इतनी बढ़िया है तो थोड़े ट्रिकी कॉल्स तो लेने पड़ेंगे। आई थिंक तो रमनदीप, बिल्कुल मैं आपसे अग्री करता हूं। इसके लिए मेगा ऑक्शन जल्दी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपकी मेहनत को करेक्ट। वो रिवॉर्ड नहीं कर रहा, उल्टा आपकी हर्षित मेहनत को राणा पनिश कर रहा को है। 2022 में पूरा सीजन भी नहीं खेले थे लोग, ठीक से नाम भी नहीं जानते थे कि हर्षित राणा भी कोई है। फिर उन्होंने लास्ट में दो तीन मैचेस खेले, अच्छा परफॉर्म किया। इस बार था शुरू से कि पूरे पूरा सीजन खेलेंगे और बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया। और अब आपको वो अगर 12 करोड़ से नीचे, तो मतलब आप बहुत ही कोई मंत्र वंतर पढ़ के जाओ, कुछ जादू टोना करो, तो भले ही वो आपको 15 के नीचे 12 के नीचे मिलेगा। वरना दीपक चहर जब 14 के पहुंच गए थे, तो हर्षित राणा तो उससे ऊपर ही जाएंगे। और रमनदीप का, मैं जो उन्होंने जिस तरीके से नीचे आके वो 12 पे 25, वो 8 पे 20 वाली जो इनिंग खेली थी, दैट मेड अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और उनकी बॉलिंग की आपको नीट पड़ी नहीं, बट अगर इम्पैक्ट प्लेयर हट जाता है, जो कि होपफुली हट जाना चाहिए, तो क्या बता रहे हो हो, सकता है वो उनके लिए आपके और उनकी बॉलिंग की भी आपको नीट पड़े। और हाँ एसआरएच से बिल्कुल। आप किसको रिटेन करोगे? एसआरएच आई डोंट थिंक इतना इजी है, क्योंकि आपको ये देखना है कि अवेलेबिलिटी क्या है पैट कमिंस की। अब ऑस्ट्रेलिया के कप्तान है, डब्ल्यूटीसी, एशेज, सब कुछ होगा, तो वो अगर अवेलेबल हैं तो फिर डेफिनेटली आप उनको रिटर्न करोगे। क्लासेन तो 100% विदाउट अ डाउट यू विल वांट टू रिटेन। ट्रेविस हेड, आपका ओपिनियन इज एज गुड एज माइन, योर कॉल, आपको लेना लो, आपको लगता है ये काम करने वाला कोई और मिल जाएगा, छोड़ दो। ग्लेन फिलिप्स को यूज नहीं किया ढंग से तो फिर क्या ही रिटर्न करोगे आप उनको। माक्रम का कॉल भी कम्प्लीटली योर कॉल। मेरे हिसाब से माक्रम एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन है, लीडरशिप ग्रुप का भी हिस्सा रहा है, तो आइडियली मेरे हिसाब से वो रहना चाहिए, बट रिलीज कर देंगे तो भी मुझे दिक्कत नहीं है। तो मेरे हिसाब से लॉक सिर्फ क्लासेन है, बाकी यानसेन, वनिंदू, एवरीबडी इज अप फॉर डिबेट के आपको वैसा रिप्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यानसेन फिर भी शायद मैं रख लूं, क्योंकि बहुत कम लेफ्ट हैंडेड सीमर्स ओपनिंग बॉलिंग और बल्लेबाजी से भी थोड़ी वैल्यू है वहां पे, तो कम मिलेंगे वैसे। एंड अभिषेक, नीतीश। हाँ, तो ये ओवरसीज तो मेरे दो ही स्लॉट है ना, मेरे बाकी दो मेरे इंडियन स्लॉट है, तो इंडियन में मैं अभिषेक शर्मा और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों को रिटर्न करना चाहूंगा। नॉट भूवी, नट्टू, उमरान, दिस तो काइंड ऑफ उमरान प्लेयर्स। गेम नहीं खेले हैं, तो आपको रिटेन रिटेन आप करते हो ये सोच के कि ये मुझे ऑक्शन में कितना महंगा पड़ सकता है। भूवी महंगा नहीं पड़ेगा, नट्टू महंगा नहीं पड़ना चाहिए, मलिक बिन उमरान भी महंगा नहीं पड़ना चाहिए। नीतीश कुमार रेड्डी क्या बोलते हैं, पॉकेट खोल लेगा भाई।
ऑलराउंडर, सेम बोलिंग ऑलराउंडर बैटिंग एट फोर, पॉइंट ही नहीं है रिस्क लेके। एंड ही शोड ग्रेट टेम्परमेंट एज वेल अंडर प्रेशर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। राजस्थान रॉयल्स का रियान संजू सैमसन का कुछ अपडेट है आपके पास? क्योंकि र्यूमर सर्कुलेट कर रहे थे कि शायद वो उनका लास्ट सीजन होगा आरआर पे। नहीं, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है और उस चीज पे ज्यादा मैं नजर रखता भी नहीं हूँ। मेरे लिए जो जब होगा तभी बिलीव करेंगे, क्योंकि होने के लिए तो बहुत कुछ हो जाता है। तो राजस्थान के लिए मेरे लिए सिंपल है, बटलर, सैमसन, जायसवाल, रियान परब। बॉलर में कोई नहीं? नहीं, मेरे हिसाब से बॉलर आपको मिल जाएगा, इतना महंगा भी नहीं पड़ेगा। पर जो चीज बटलर, सैमसन, जायसवाल, रियान परब देते हैं वो बाहर ढूंढने जाओगे तो मुश्किल होगा। एंड द फेवरेट, द वन एंड ओनली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। आरसीबी के लिए भी देखो, वो कॉल सीधा सीधा डिपेंड करता है कैम ग्रीन पे, क्योंकि कैम ग्रीन निकला था ऑजी ऑलराउंडर है अब, जो टेस्ट खेल रहा है, तो बहुत वर्कलोड होगा उसको मैनेज करने के लिए। तो अगर सीए परमिशन दे देती है तो कैम ग्रीन को डेफिनेटली रिटर्न करना चाहिए अलॉन्ग विथ विल जैक्स। मैक्सवेल को आप रिलीज कर सकते हो, अगर वो नहीं खेल रहे तो कोई लोड नहीं है। तो जैक्स और ग्रीन दो विकल्प हैं आपके पास, विराट ऑब्वियसली हो जाएंगे। अगर चार ही है तो चौथा कॉल आपको सिराज या पाटीदार, दोनों में से किसी एक पे लेना पड़ेगा। आई थिंक मोस्ट लाइकली यश दयाल भी है, और अब तो यश दयाल भी है। तो अगेन, पर वही है कि छह ऑप्शन है, छह ऑप्शन में पिक करना बेटर है एज कम्पेयर टू केकेआर, जिनके पास 10 केकेआर एनएसआर है, उनकी तो लगी पड़ी।